ऐसा कि सम्राट कम्स टू नो दैट उर्मी इज़ प्रेगनेंट एंड वो पता करने जाता है कि किसका बच्चा है एंड फाइनली व्हेन ही कम्स टू नो दैट इट्स ईशान चाइल्ड एंड दैट्स अ मिस्ट्री ऑल्सो लेकिन इसको लगता है कि ईशान का बच्चा है तो अगेन उसका पारा 7 के आसपास पे पहुँच जाता है तो इतना इतना ज़्यादा गुस्सा क्या करने वाले सम्राट वो आप देखते जाइए आगे के एपिसोड में कि सम्राट अब क्या करेगा मैं चाहता हूँ कि अगर मिस्ट्री रहे लोग देखना चाहेंगे कि अब ये सम्राट क्या करेगा अभी जो भी करेगा बहुत बड़ा करेगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सम्राट्स पीक राइट नाउ अपने गुस्से के एकदम पीक पे है वो तो कुछ भी कर सकता है वो मतलब सम्राट को ये पूरा विश्वास है कि ये जो प्रेग्नेंट है वो सम्राट का बेबी नहीं सी विश्वास हो जाता है उसको क्योंकि सम्राट इज लिटिल डम उसको लगता है वो ज़्यादा उसको जो भी दिखता है वो कैलकुलेशन करके हिसाब से मान लेता है बहुत शक की किस्म का आदमी है ना तो उसको जैसे ही शक होता है तो यू नो बिलीव कर लेता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिलीवेबल हो जाती हैं उसके लिए यहाँ पे आके देखता है तो रजिस्टर पे ईशान का नाम लिखा होता है फादर पे एंड यू नो उसके हस्बैंड पे देन उसको फिर शक हो जाता है एंड ऊपर से लोग उसे बोल देते हैं कि ईशान और दे यू नो दे हैविंग अ गुड टाइम दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर देन उसको शक हो जाता है एंड वो शक यहाँ पे आके हॉस्पिटल में आके यू नो उसका 99% पूरा हो जाता है कि यस इट्स ईशान चाइल्ड सो दैट्स व्हाई ही इज वेरी एंग्री सम्राट जो कान के कच्चे भी लग रहे हैं काफी कान के कच्चे तो हाँ मैंने जैसा कि कहा वो है अजीब ही है सम्राट थोड़ा सा डम भी है और कान का कच्चा भी है यस डेफिनेटली उसको सिर्फ अपनी तारीफें सुनाई देती है और कुछ नहीं सुनाई देता अच्छा अगर आगे चलकर अगर ये सब जब सम्राट को सारी सच्चाई पता चलेगी कि उर्मी जो है वो सम्राट का ही बेबी होगा शायद से अरे हाँ तो दैट्स अगेन आई थिंक सम्राट विल गो मैड पागल हो जाएगा उस दिन तो व्हेन ही कम्स टू नो दैट ये उसी का बच्चा है या ही विल गो मैड पागल हो जाएगा